दोस्तों, अभी जो ट्रैफिक आप देख रहे हो, ये ट्रैफिक गूगल डिस्कवर का है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप सभी को पता होगा कि अभी गूगल डिस्कवर से भर भर कर ट्रैफिक आ रहा है, और मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ और ये ट्रैफिक आपके सामने है। अर्निंग भी आप देख सकते हो, आज का अर्निंग $59 है, कल का $78, एक सप्ताह में $849, और इस महीने का $9,500 है, $9,500। तो इतना अर्निंग आप भी कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। कैसे कर रहा हूँ, किस तरह से आपको भी करना है, इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। एक पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखो। तो थोड़ा सा मैं आपको एनालिटिक्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो 6.5 मिलियन यहाँ पर इम्प्रेशन है, टोटल क्लिक्स 3,20,000 है, और एवरेज सीटीआर अगर आप देखोगे तो 5.3% एवरेज सीटीआर है। मैंने एक वेबसाइट अभी क्रिएट किया है आप सभी के लिए। उस वेबसाइट पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, किस तरह से आपको रैंक कराना है, और कैसे गूगल डिस्कवर आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी के बारे में हम जान लेते हैं, चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक तरह का क्वेश्चन आंसर एक टूल है, जिस तरह से कोरा है उसी तरह से ये चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी में क्या होता है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं चैट जीपीटी से, ये अपने अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर पेश कर देता है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ से कंटेंट को उठाता हूँ, अपने वेबसाइट पर डालता हूँ, और आर्टिकल रैंक हो जाता है और ट्रैफिक आता है। अभी अगर चल रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। 7 से 8 महीना पहले इसी तरह से आया था गूगल वेब स्टोरी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आया था, काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ से भी काफ़ी अच्छा अमाउंट निकाला था। तो अभी गूगल डिस्कवर आर्टिकल रैंक कर रहा है, तो आर्टिकल से भी अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये एक मैंने अपना वेबसाइट बनाया है। वेबसाइट का अगर आप नाम देखोगे तो सिंपल सा वेबसाइट है, helpbihar.com। इस पर मैं आपको एक आर्टिकल लिख करके बताऊंगा कि किस तरह से आप आर्टिकल को चैट जीपीटी के थ्रू लिख सकते हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के, बिना दिमाग लगाए। तो एक नया आर्टिकल मैं यहाँ पर न्यू पोस्ट पर जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा आर्टिकल वाला सेक्शन खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ तो मुझे एक नया आर्टिकल लिखना है, तो चैट जीपीटी पर चलते हैं। और अभी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो ऐसे कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना है जिसका सीपीसी रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सीपीसी रेट वाला मुझे जहाँ तक पता है वो लोन से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, व्हीकल से रिलेटेड है। इस तरह का अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो इसका सीपीसी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलो मैं एक लोन से रिलेटेड आर्टिकल मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ टू बेस्ट बैंक ऑफ पर्सनल लोन इन इंडिया। इसको मैंने लिख करके सर्च किया तो ये हमारे पास पॉइंट वाई यानी बुलेट पॉइंट में मुझे ये ला करके बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आ चुका है, धीरे धीरे आ रहा है ये। जब तक आता है मैं एक और यहाँ पर कर लेता हूँ। ये स्पिन का एक टूल है, स्पिन बोर्ड का, इसको हम ले आते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो चेंजेस मुझे करना ही पड़ेगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर स्पिन बोर्ड में ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्पिन हो चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ राइट वाले सेक्शन में यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से नीचे आते हैं एक लाइन, और उसके बाद इन सभी को हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद जैसे हमने पहले वाले को स्पिन किया था उसी तरह से हम इसको भी स्पिन करेंगे, और स्पिन करने के बाद हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर नीचे में भी एक और बच गया था, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं
ठीक है, और इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं और स्पिन करते हैं। स्पिन करने के बाद ये भी हमारा आ चुका है, इसको भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ इंग्लिश में नहीं जानते उतना बेसिक, तो इस तरह से आप ला करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो सिंपल वे में। अब यहाँ पर टाइटल है, तो टाइटल में हमने क्या रखा था, हाउ टू बेस्ट बैंक ऑफ ऑफ नहीं फोर होगा फोर पर्सनल लोन इन इंडिया। ठीक है, ये मैंने दे दिया, इसका हो गया टाइटल। ठीक है, इसी को हम कॉपी करके हम नीचे लाएंगे और इसी को हम पेस्ट कर देंगे और इसको हम बना देंगे हेड। फर्स्ट हेड हमारा तैयार हो गया। हाँ, अब इसमें मुझे चाहिए एक इमेज, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, तो जाएंगे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आने के बाद मुझे इमेज भी नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, इमेज भी हम नहीं बनाएंगे, बेस्ट बैंक फॉर पर्सनल लोन इन इंडिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा देखिए आपको थंबनेल मिल जाएगा, जो बेस्ट थंबनेल रहेगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। चलो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो इसका लिंक हम कॉपी करेंगे और फिर से हम यहाँ पर टाइप करेंगे यूट्यूब। अब किस चिंता में बाल घबरा रहे हो, डाउनलोड बिजनेस लोन चाहिए, और जो फर्स्ट में आएगा डाउनलोड वाला थंबनेल, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लिंक। अब थंबनेल डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। अब फिर से हम आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर अपलोड कर देते हैं इमेज को। यहाँ पर भी इसको चेंज कर देना है, इसका टाइटल जो है चेंज हो जाएगा, बेस्ट बैंक फॉर पर्सनल लोन इन इंडिया, हो गया। अब इसको हम कर देते हैं अपलोड, और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में, जैसे ही अपलोड होगा तो ऑल टेक्स्ट में यहाँ पर पूछेगा हमसे, तो ऑल टेक्स्ट में हम इसी को कॉपी करके यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, ऑल टेक्स्ट में हमने डाल दिया, और यहाँ पर पर्सनल लोन को हम कॉपी करते हैं क्योंकि हमारा कीवर्ड जो है पर्सनल लोन है, और यहाँ पर हम फोकस कीवर्ड पर डाल देते हैं पर्सनल। ठीक है, इसको हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पर जो टैग है, टैग में भी हम डाल देते हैं, जैसे पर्सनल लोन है, PR पर्सनल लोन इन इंडिया, बेस्ट बैंक ऑफ पर्सनल लोन। तो इस तरह से 4-5 टैग हम यहाँ पर लगा देंगे। और फीचर इमेज, तो फीचर इमेज में भी इसी इमेज को हम लगा देंगे। ठीक है, ये फीचर इमेज हमारा यहाँ पर लग चुका है। और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे में जो पुराना आर्टिकल है उसका लिंक हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये लेटेस्ट पोस्ट वाला हम यहाँ पर ऑप्शन दे चुके हैं। अब मेरा हो चुका है सब कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कर देना है पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं, ये हमारा आर्टिकल हो चुका है पब्लिश। एक बार हम बैक आएंगे, और बैक आने के बाद इसमें एक हमें ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग गूगल अपडेट। ठीक है, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इंडेक्स नाउ सबमिट यूआरएल पर हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारा यूआरएल चल गया है इंडेक्स होने के लिए, तो ये तुरंत इंडेक्स हो भी जाएगा। बस इतना ही करना है आप सभी को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आर्टिकल आपका रैंक हो जाए।
दिन में कम से कम 10 आर्टिकल तो जरूर पब्लिश होना चाहिए। 10 से 20 आर्टिकल अगर आप पब्लिश करते हैं स्टार्टिंग में तो गूगल डिस्कवर आपका खुल जाएगा और कम से कम एक महीना तो आपको ट्रैफिक भर भर कर आएगा ही आएगा। उसके बाद गूगल को पता चलता है कि कॉपी पेस्ट हो रहा है तो वो वेबसाइट थोड़ा डाउन चल जाता है, लेकिन एक महीना तक आपको ट्रैफिक भर भर कर दे जाएगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं चैट जीपीटी का मदद लेकर के अपने ब्लॉगिंग में। तो इसी तरह का वीडियो मैं काफ़ी सारा आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।